हेलो स्टूडेंट्स, आज आप करेंगे 10th क्लास का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एमसीक्यू। इस वीडियो दे विच आपां मोस्ट इंपोर्टेंट 50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिस दे विच कुछ अपने कोल यूनिट्स होणगीआं ते कुछ आपां न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिहड़े आम करके पेपरां च पुछे जांदे ने। आओ स्टार्ट करदे आं। फस्ट क्वेश्चन है अपने कोल, Which instrument is used to measure electric current in circuit? Circuit दे विच electric current नूं मापन लई किस यंत्र दी वरतों कीती जांदी है, ते ओ अपने कोल की हुंदा है एमीटर। एमीटर दे नाल आपां electric current मापदे हां, ते आंसर बी अपना की आ जाएगा, करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है अपने कोल, What is the SI unit of electric charge? Electric charge दी SI यूनिट की है, इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट हैगी है कूलम, जिन्हों सी नाल लिखा जाता है। देखो इतने अपने को वोल्ट दे रखे है, वोल्ट यूनिट होंगी पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल अंतर की यूनिट होंगी वोल्ट। टोटल एनर्जी, एनर्जी की यूनिट है एम्पेयर है इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हैगी एम्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इधर तुसी उन्हें सॉल्व भी कर लिया होगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? अपन पिछले क्वेश्चन के बीच डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट की है एम्पेयर। कूलम किस की थी? चार्ज दी, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दी, जूल एनर्जी दी। नेक्स्ट अपने कोल फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ जूल? आपां जूल दी टर्म दे विच इलेक्ट्रिक एनर्जी दी यूनिट फाइंड आउट करनी। ए अपने कोल फर्स्ट ऑप्शन हैगी है 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल, ते ए करेक्ट आंसर। इन टर्म ऑफ जूल जिहड़ी कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, ओ की है 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल। नेक्स्ट अपने कोल फिफ्थ क्वेश्चन है, ए करंट ऑफ 4 एम्पीयर फ्लो अराउंड ए सर्किट फॉर 10 सेकंड। 10 सेकंड दे लई 4 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा सर्किट दे विच, आपां फाइंड आउट करना है कि किन्ना चार्ज पास हो रहा है, एक पॉइंट तो किन्ना चार्ज पास हो रहा है। ਆਪਾਂ ਓਮਸ ਲਾ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਪਣੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? B is equal to IR। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ? ਸੋਰੀ, ਇਹ ਓਮਸ ਲਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ, ਆਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਊ ਬਾਏ ਟੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 4 ਐਂਪੀਅਰ, ਟਾਈਮ ਗਿਵਨ ਹੈ 10 ਸੈਕਿੰਡ, ਐਂਡ ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 4 ਐਂਪੀਅਰ इक्वल टू क्यू जगह से क्यू आ जाएगा, टी की जगह से आ जाएगा 10 सेकंड, रीअरेंज करके अपने को क्यू इक्वल आ जाएगा 4 एम्पीयर इंटू 10 सेकंड, आ जाएगा 40 एम्पीयर सेकंड, मीन्स दैट 40 कूलम। आंसर अपने को चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू का आंसर कितना आ जाएगा 40 कूलम, तो बी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट है अपने कोल सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट इफ द चार्ज पासिंग ईच पॉइंट इज 20 कूलम इन 40 सेकंड? 40 सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? 20 ਕੂਲਮ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? 40 ਸੈਕਿੰਡ। ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ, 20 ਕੂਲਮ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 40 ਸੈਕਿੰਡ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਣੇਗਾ 1 ਓਵਰ ਹਾਫ ਕੂਲਮ
पर सेकेंड 1/2 इक्वल होता है 0.5 दे 0.5 एम्पीयर। अपने को डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपने को सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की है अपने को नीचे कुछ डेफिनेशंस ने। फर्स्ट है रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डेसिपेट एंड कंज्यूम इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ए डेफिनेशन है पावर दी, इलेक्ट्रिक पावर दी डेफिनेशन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ए हैगी इलेक्ट्रिक करंट दी। अपने को बी ऑप्शन करेक्ट है। नीचे वर्क डन टू मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ए डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस। इथे इस क्वेश्चन ने अपना बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है अपने को एट्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो इन द फॉर्म ऑफ जूल आप पहले देख चुके हैं। हुन जिहड़ी आम वरती जाती है कमर्शियल यूनिट वह की है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर की है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट नाइंथ क्वेश्चन, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, ये अपने को आंसर आ जाएगा 36 × 10⁵ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को 10th, ए फ्यूज वायर इज ए वायर ऑफ। अपने को फर्स्ट ऑप्शन है लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, सेकंड हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, थर्ड लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट तक कभी नहीं भी आएगा, जेकर मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो जी फ्यूज वायर है कभी भी मेल्ट होकर टुटेगी नहीं, जिस नाल सर्किट अपना कंटिन्यू चलता रहेगा। ये होंगी अपने को हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, बी ऑप्शन इज करैक्ट। नेक्स्ट है अपने को 11th क्वेश्चन, हाउ इज द एमिटर कनेक्टेड इन सर्किट। देखो एमिटर सर्किट के इलेक्ट्रिक करंट को मापता है तो इन हमेशा सीरीज लगाया जाता है। अपने को ए ऑप्शन करैक्ट आ जाएगा। जिहड़ा वोल्ट मीटर है सीरीज दे विच एमीटर लगाया जाता है, जिहड़ा वोल्ट मीटर है उन्हों पैरल च पिया वोल्ट मीटर। नैक्सट अपने को 12th क्वेश्चन, वट इज द एस आई यूनिट ऑफ रजिस्टेंस। रजिस्टेंस की एस आई यूनिट की, एस आई यूनिट है ओम। इसका सिंबल है केवल वोल्ट का दी ऐसे यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस दी, एम्पीयर करंट दी, जूल एनर्जी दी। इसलिए अपने को इतने इस क्वेश्चन लिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट अपने को 13th क्वेश्चन, व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी की एस आई यूनिट की है बेटे, जी रजिस्टिविटी होंगी रजिस्टेंस से रजिस्टिविटी फर्क होंगे। जो आप फार्मूला करते हैं आर इक्वल टू रो एल बाय ए, एल होंगी लेंथ ऑफ द रजिस्टेंस, ए होंगे एरिया क्रॉस सैक्शन, रो है इन कहें रजिस्टिविटी। जेकर आप रजिस्टिविटी का फार्मूला देखिए ए आएगा इक्वल आर इंटू ए बाय एल। हुण आर होगी रजिस्टेंस, रजिस्टेंस की यूनिट होंगी ओम, ए है एरिया, एरिया होंगी मीटर स्केयर, लेंथ दी मीटर, मीटर ना मीटर कैंसल, अपने को आंसर क्या आ जाएगा ओम मीटर। अपना आंसर क्या आ जाएगा ए इज करैक्ट। नैक्सट अपने को आ गया 14th क्वेश्चन, वट इज द एस आई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आप पहले भी पढ़ चुके हैं जरा पोटेंशियल डिफरेंस है इस जी एस आई यूनिट है वह की है वोल्ट। नैक्सट है अपने को 15th, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस न मापन लिए किस यंत्र की वरतों की जाती है तो वह की है अपने को वोल्ट मीटर। इसनों हमेशा पैरल ज्वाइन करना होंगे, जो एम मीटर है उस आप इलैक्ट्रिक करंट मापते हैं उसको सीरीज ज्वाइन करना। नैक्सट अपने को
16th क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। आप जो 6 वोल्ट बैटरी आप ज्वाइन की हुई है तो हरेक कूलम चार्ज में किन्ना वर्क करना पड़ेगा जब किन्नी एनर्जी चाहिए होगी। देखो इन वास्ते आप जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए वर्क डन होंगे पर कूलम चार्ज ली वी इज इक्वल टू डबल्यू बाय क्यू। जो आप एनर्जी करनी है तो डबल्यू के इक्वल आ जाएगा वी इंटू क्यू। वी एनर्जी तो वर्क एक जिन्हें हो गए तो अपने को वी कितना दे रखे है 6 वोल्ट चार्ज कितना देता है 1 कूलम आंसर आ जाएगा 6। तो अपने को डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट अपने को 17th क्वेश्चन, 1 किलोवाट इज इक्वल टू किलो स्टैंड्स फॉर 1000 या इक्वल टू 10^10। मीजर ऑफ आंसर कितना देगा 10^3 वोल्ट। 1 किलो 10^3 वोल्ट डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट अपने को लेगा 18th क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड अपॉन। जी रजिस्टिविटी है वो लेंथ से डिपेंड नहीं करती ना ही थिकनेस से डिपेंड करती ना ही शेप से डिपेंड करती है, वो सिर्फ डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल। ये आ जाएगा अपना डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट अपने को 19th क्वेश्चन, इफ 3 रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अपने को 3 रेजिस्टेंस ने तीनों की ने 3 3 ओम दिए ने, जो पैरल च कनैक्ट करते हैं तो इस तरह का अपने को सर्कट डायग्राम बनता है। जो इन्हों पैरल च कनैक्ट करते हैं तो टोटल रजिस्टेंस किनी आएगी, तो टोटल रजिस्टेंस का अपने को फार्मूला होता है 1/R टोटल इक्वल होएगी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R इक्वल आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 1/3 एलसीएम आ जाएगा 3 1 प्लस 1 प्लस 1 1/R आ जाएगा 3/3 सिंगल 3 कैंसिल हो जाएगा आर आ जाएगा इक्वल टू 1। अपने को आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट अपने को 20th क्वेश्चन, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट इज अप्लाइड टू द टू रजिस्टर। दो अपने को रजिस्टर ने एक 6 ओम है एक 2 ओम है कनेक्टेड इन सीरीज, इन्हें सीरीज के कनेक्ट किया है। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग, क्योंकि करंट कितना फ्लो कर रहा है वो आप फाइंड आउट करना है। देखो जो आप दो रजिस्टर मतलब एक अपने को रजिस्टेंस है 6 ओम दी सेकेंड दोनों पैरल च कनैक्ट किया है तो ये 2 ओम दी है, इन्होंने ज्वाइन करे एक बैटरी नाल पोटेंशियल डिफरेंस कि उस बैटरी का, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है अपने को 4 वोल्ट। हम सब तो पहले तो आप फाइंड आउट करा इक्विवेलेंट इन दोनों की टोटल रजिस्टेंस कि सीरीज ने, सीरीज का फार्मूला होता है टोटल इन सीरीज इक्वल होंगी R1 + R2। दो ने तो बस दो ही ऐड हो जाएंगे 6 + 2 टोटल रजिस्टेंस होगी 8 ओम। हम सर्कट की जी टोटल रजिस्टेंस है अपन पता है 8 ओम, वोल्टेज पता है, इतने ये ट्रैंगल वाला फार्मूला लगेगा जो पिछले ट्रैंगल बनाई सी वो इतने काम आएगी वी इज इक्वल टू आई आर। हूँ आप फाइंड की करना है आई, आई इक्वल होगी बी बाय आर, बी बाय आर वी अपने को लिखा है 4 वोल्ट आर है 8 ओम 1/2 वोल्ट ओम मीन्स दैट आप इलेक्ट्रिक करंट फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट होती है एम्पेयर। आंसर आ जाएगा 0.5
5 मींस हाफ आ रहा है ना, 0.5 एम्पीयर। ये अपने को ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है अपने को 21, सेम क्वेश्चन आ गया अपने को। ठीक है, इन दिस विच अपन कंबाइंड टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये पीछे होने करिए सीरीज ने टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू 6 ओम प्लस 4 ओम 2 ओम, टोटल कितना आ जाएगा 8 ओम। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज इज करंट ऑफ 4 एम्पीयर। ये अपने को प्रेस से ऑफ 4 एम्पीयर करंट ले रही है 200 V वोल्ट पे। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है अपन। आई गिवन है, आई है अपने को 4 एम्पीयर, वोल्टेज भी गिवन है, वोल्ट पोटेंशियल अंतर भी गिवन है, वो है 200 V वोल्ट। आर फाइंड आउट करना है, एक ट्रायंगल सेम वी इक्वल टू आई आर फाइंड करना है। आर आर आएगा वी बाय आई, वी बाय आई वी कितना है 2 2 0, आई कितना है 4 एम्पेयर चाहिए थे अपने को लिए वोल्ट, तो कैलकुलेट कर लेंगे 4 से करो 4 5 20 820 45 सर, इस तरह से आएगा 55 ओम। फिर रेजिस्टेंस डिजोंट किया दी ओम, आंसर क्या आ जाएगा बी, ई आंसर अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बिल्कुल 23, ए वोल्ट मीटर रीड्स 24 वोल्ट अक्रॉस ए रेजिस्टर। अपने को कोई रेजिस्टर है दे अक्रॉस जो वोल्ट मीटर है वो कितनी रीडिंग दे रहा है 24 वोल्ट, एमीटर जरा वो रीडिंग दे रहा है 3 एम्पीयर। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी, सेम वी गिवन है, वी अपने को 24, आई गिवन है 3 एम्पीयर, आर फाइंड आउट करनी है, आर होगी वी बाय आई, वी 24 वोल्ट डिवाइड बाय 3 एम्पीयर, 3 8 सर आंसर क्या रहेगा 8 ओम। जब रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं रेजिस्टेंस आ जाएगी अपने को 8 ओम। नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन है 24th, एन इलेक्ट्रिक आयरन रेजिस्टेंस 25 ओम टेक्स ए करंट 7 एम्पीयर, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 0.5 मिनट। 0.5 मिनट के कितनी हीट डेवलप करेगी, जिहड़ी हीट होंदी है हीट इक्वल होंगी है आई स्क्वेयर आर टी। अपने को आई गिवन है 7 एम्पीयर, आर गिवन है 25 ओम, टाइम गिवन है 0.5 मिनट मीन्स इनटू 60 सेकेंड, फिर क्या देगा 30 सेकेंड। तो पुट कर दें एच इक्वल टू आई स्क्वेयर 7 स्क्वेयर इंटू आर 25 इंटू 30 सेकेंड टाइम, अपने को लगे 49, 25 2 3 75 एंड 0, इन आप मल्टीप्लाई कर लेंगे यार देखिए अपने को 37,750, इन अच ऑप्शन आप पॉइंट्स कन्वर्ट कर लेंगे ये बन जाएगा 3.6750 × 10⁴ जूल, इज दैट 3.68 × 10⁴ जूल। अपनी सी ऑप्शन इज करेक्ट, इससे नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट अपने को लेगा 25th, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर।
इलेक्ट्रिक पावर दी एस एजुंट, इलेक्ट्रिक पावर है उसकी एस एजुंट है वाट, इसमें डब्ल्यू ना रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है अपने को 26, एन इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड एट 220 वोल्ट, द करंट 0.5 एम्पीयर है कंज्यूम कर रहा है, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। देखो आप पावर फाइंड आउट करनी है, पावर होंगे वी आई, वी ए 220 वोल्ट इंटू करंट कितना है 0.5 एम्पीयर, आंसर क्या आएगा 110 वोल्ट एम्पीयर, मींस दैट 110 वाट, आंसर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट 27, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वाट, व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड इफ इट इज ऑपरेट ऑन 110 वोल्ट, जदों इन 110 वोल्ट ते लावांगे तो ये किन्नी पावर कंज्यूम करेगा। देखो बेटे जो बल्ब होएगा, बल्ब का जो रजिस्टेंस है वो तो कॉन्सटेंट रहेगा, तो पहले आप फाइंड आउट कर लेने रजिस्टेंस, दी पावर होंगी है पावर इज इक्वल टू वी आई, बट जे आप ओम्स लॉ यूज करिए, ओम्स लॉ यूज करांगे वी इज इक्वल टू आई आर, इसनों आप वी ते आर दे विच कन्वर्ट कर लेने, आई दी वैल्यू पुट कर देने, ये बन जाएगा वी स्केयर बाय आर, हम पी अपन दिता है 100 वाट, 200 वी का स्केयर डिवाइड बाय अपन दे रखी वो पावर ए आर, आर फाइंड आउट करनी, आर आ जाएगा 0220 डिवाइड बाय आएगा 20 into 22 ये आ गया अपने को आर ओम, ओम अपन दूसरे पी सेम पी स्केयर बाय आर, सेकंड केस दे विच हम पी फाइंड आउट करनी पावर, पी गिवन है 110 वोल्ट, आर द कॉन्सटेंट रहेगी बल्ब की 22 into 20 110 डिवाइड बाय 11 टेंस टू ये भी 11 टेंस ये भी 11 टू सर ये 2 नॉट कट करोगे तो आ जाएगा 5 ये भी आ जाएगा अपने को 5 इंटू 5 आएगा 25 वाट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट अपने को लेगा 28th क्वेश्चन, नेम द क्वांटिटी हुज यूनिट इज किलोवाट, जिस दी यूनिट की है किलोवाट, तो वो अपने को की है इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर दी यूनिट की है किलोवाट। 29th क्वेश्चन, नेम द क्वांटिटी हुज यूनिट इज किलोवाट आवर, ये भी की है इलेक्ट्रिक एनर्जी दी यूनिट है कमर्शियल यूनिट, ये अपने को बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को 30, हाउ मच एनर्जी डज 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफर इन 1 मिनट, 1 मिनट दे विच वो कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। देखो बेटे जी अपने को बल्ब है 100 वाट का, मीन्स दैट वो 100 जूल एनर्जी एक सैकेंड दे विच अमिट कर रहे हैं, टोटल एनर्जी आप फाइंड आउट करनी है, एनर्जी की होंगी पावर इनटू टाइम, पावर जूल लेनी है 100 जूल पर सेकंड इनटू टाइम कितना है अपने को 1 मिनट में 60 सेकंड, आंसर आ जाएगा अपने को 6000 जूल, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को 31st, एन इलेक्ट्रिक आयरन हैज रेटिंग, अपने को जड़ी प्रेस है उसके ऊपर 750 वाट एंड 220 वोल्ट लिखे है, रजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। देखो अपन पता है जी पावर है वो वी स्केयर बाय आर है, पीछे फार्मूला आर फाइंड आउट करनी है, आर होएगा
बी स्क्वायर बाय 7 सॉरी ऊपर आ जाएगा अपने को एक गलतियां लिखा गया बी स्क्वायर 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 750 कैलकुलेट कर लेने आप 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 75 0 कट हो जाएगी 5 से तो कट करेंगे आप बोटे बेटे अपने को अप्रोक्सीमेटली 64.7 दे नियर अबाउट आंसर आ जाएगा ये अपना डी ऑप्शन इज करेक्ट अप्रोक्सीमेट अपन से निकाल रहे हैं नेक्स्ट अपने को 32nd एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक 5 एम्पीयर फ्रॉम 220 वोल्ट 220 वोल्ट तो कितनी ले रही है 5 एम्पीयर व्हाट इज द पावर ऑफ द मोटर पावर वी इंटू आई वी गिवन है 220 आई 5 अपने को वाट चांस आ जाएगा 0 10 एंड 11 अपने को ले आ गया 1100 वाट मींस दैट 1.100 सॉरी किलो वाट नो आप 1.1 किलो वाट भी लिख सकते हैं अपना आंसर आ जाएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे अपने को 33 वट इज द यूनिट ऑफ पावर आप पावर की यूनिट पहला कर चुके हैं वो की है वाट इन किसी ने किस चीज का रिप्रेजेंट किया जाता है डबल्यू कैपिटल डबल्यू नेक्स्ट अपने को 35 वन हाउस पावर वन हॉर्स पावर किन बराबर होंगे जो वन हॉर्स पावर है वो 746 वाट के इक्वल आप घर मोटर वगैरह यूज कर रहे हैं इन्हों की पावर हॉर्स पावर च लिखी होंगी है वन हॉर्स पावर इक्वल होंगे 746 वाट दे नेक्स्ट अपने को 36 पावर ऑफ लैंप 60 वाट फाइंड द एनर्जी इन मतलब कि फाइंड द एनर्जी इन जूल कंज्यूम्ड बाय 1 सैकेंड 1 सैकेंड कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा देखो जिनी पावर होंगी एनर्जी कटनी है तो एनर्जी की होंगी है एनर्जी इक्वल होंगी पावर इनटू टाइम 60 वाट मीन 60 जूल पर सेकंड सेकंड में मल्टीप्लाई करो क्या देगा 60 जूल आंसर क्या देगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके को 37 ये सर्किट कंसिस्ट ऑफ बैटरी ऑफ 3 सेल्स 2 वोल्ट ईच अपने को एक सर्किट है जिस एक बैटरी लगी है जिस 3 सेल लगे ने आप 3 सेल इन सर्किट डायग्राम कंप्लीट कर लेने ब्रेक दी वोल्टेज कितनी है 2 वोल्ट मींस टोटल कितना हो गया 6 वोल्ट ए 5 ओम रजिस्टर 8 ओम रजिस्टर एंड 12 ओम रजिस्टर एंड प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज बेटे आप सर्किट डायग्राम कंप्लीट कर लेने ए रजिस्टेंस लगे हुए ने अपने को 3 पैरल और सीरीज लगे ने एक प्लग की लगी हुई है आप इन्होंने इस तरह लगा देने ए अपने को 5 ओम ए है 8 ओम है 12 ओम 12 ओम में इन अगेंस्ट एक वोल्ट मीटर लगे इस ते आप वोल्ट मीटर की रीडिंग फाइंड आउट करनी है देखो पहला तो आप पहला फाइंड आउट करा कि सर्किट के टोटल करंट कि उस लिए आपको चाहिए टोटल रजिस्टेंस सीरीज कि ऐड हो जाएगा टोटल रजिस्टेंस कि होगा होएगा अपने को 25 ओम इतों आप कर लेने पहले टोटल करंट जो करंट फ्लो हो रहा है वह करंट होएगा वी बाय आर वी अपने को 6 वोल्ट आर है 25 ओम यह बन गया 6 बाय 25 हूँ आप वोल्ट मीटर की रीडिंग फाइंड करनी बल्कि 12 ओम वाले रजिस्टर्स ने किन्नी वोल्टेज ड्रॉप की
जो होगा v इक्वल टू i इंटू आर, इतने i जो टोटल करंट है 6/25, आर किन्ना है वाला जिंदे आप वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं 12, ये आ जाएगा 72/25 इज दैट 2.8 समथिंग आ जाएगा, ठीक है बेटे, तो अपना आंसर आ जाएगा 2.88 वोल्ट। ठीक, नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन है 38, व्हाट इज द हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस इन दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन, अपने को कुछ कॉइल्स ने जिन्हें दी रेजिस्टेंस दे रखी है हाईएस्ट, जो हाईएस्ट पूछते हैं तो मींस दैट केड़े अपने को रेजिस्टेंस ने इस सीरीज से ज्वाइन होए, सीरीज से होंगे तो इन दी टोटल रेजिस्टेंस की होगी इन द लीनियर सम होएगा सिंपल R2 + R3 + R4, ये हो जाएगा 4 + 8 + 12 + 24, 4 and 8 12 12 and 12 24 24 and 24 आ जाएगा टोटल 48 ओम, इससे अपने को हाईएस्ट। नेक्स्ट है अपने को 39, देखो बेटे इतने अपन पूछे है लोएस्ट टोटल डिस्टेंस फाइंड, जो लोएस्ट है तो नीज दैट वो जुड़े होंगे पैरेलल्स, पैरेलल्स दे टोटल रेजिस्टेंस होती है टोटल रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल इक्वल होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस दे रेसिप्रोकल दे सम दे, अपन इस फार्मूले तो ये फाइंड आउट कर लेने हैं 1/R4 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, जो आप सम कर दिया फ्रैक्शन पहला लगा एलसीएम, एलसीएम आएगा 24 क्या जाएगा अपने को 6 + 3 + 2 + 1, तो ये आ जाएगा 12, 6 × 9 9 × 11 and 12/24, कट करेंगे तो 1/2 1/R आ रहा है 1/2 दोनों आर आ जाएगा इक्वल टू 2, आंसर आ जाएगा ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है अपने को 40 क्वेश्चन, देखो ये अपने को कुछ सिंबल नहीं, रेक अपने को जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उन्होंने रिप्रेजेंट करने एक सिंबल है, उन्हें इतने आप सिर्फ सिंबल करेंगे 10 सिंबल ने अपने को, ये सिंबल दसना है सिंबल किस चीज का है, एक बड़ी लूप है एक छोटी लूप है इंडिया इस दे विच की दिता है, जी वड्डी लूप हैगी है वो पोस्ट में सैल नू रिप्रेजेंट कर रही है, इस सैल का पॉजिटिव टर्मिनल है इस सैल का नेगेटिव टर्मिनल है, ये रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक सैल। नेक्स्ट ए कंबीनेशन ऑफ सैल है, इट मीनस दैट जो सैल दो या दो तो बाद सैल जुड़ जाते हैं तो वो बन जाती है बैटरी, एक ही एक बैटरी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को 42, ये अपने को प्लग मीनस द स्विच दी ऑफ स्विच की है ऑफ ऑफ दी स्थिति, जो ऑफ दी स्थिति कोई स्विच होता है उन्होंने की बोलते हैं ए ओपन सर्किट, प्लग की ओपन ए ओपन है जो इस स्विच आप फिल कर देंगे वो की आ जाएगी क्लोज। नेक्स्ट अपने को 43, देखो सेम ये भी प्लग की है पर यह कही है प्लग की क्लोज स्विच ऑन स्थिति। नेक्स्ट 44th एक ही है अपने को ए वायर है आप कनेक्शन रीसेंड कर दिया इतने की है ज्वाइंट, ज्वाइंट मीज दैट ए वायर ज्वाइंट नो इस तरह रीसेंड किया जाता है। नेक्स्ट है 45th और इस दे विच एक वायर के ऊपर वायर की कर रही है क्रॉस कर रही है, ये टच नहीं कर रही है वायर, वायर तो वायर की कर रही है क्रॉस, ए अपने को वायर क्रॉसिंग नो रीसेंड किया जाता है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है अपने को 46, ये अपने को इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। नेक्स्ट अपने को आ गया 47th, ये हैगा सिंबल अपने को रेजिस्टेंस का, इस जो सिंबल है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट 48th इसमें आप कह सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं आप, इस वेरिएबल जो रेजिस्टेंस है उन्होंने बोलते हैं रियोस्टेट, सिंबल ए ए ऑप्शन इज करेक्ट, रियो स्टेट का सिंबल है वाला। नेक्स्ट है 49th, ए सिंबल है एमीटर का,
ਕੋਲ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50 ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਗੇਮ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਫੋਲਡ ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਫਾਇੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ 1 ਕੂਲੰਬ ਆਫ ਚਾਰਜ। 1 ਕੂਲੰਬ ਆਫ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਨ ਇੰਟੂ ਚਾਰਜ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ -1.6 ਇੰਟੂ 10 ਰੇਜ ਟੂ ਪਾਵਰ -19 ਕੂਲੰਬ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਐਨ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗਿਵਨ ਹੈ 1 ਕੂਲੰਬ। 1 ਕੂਲੰਬ ਚ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਐਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਊ ਬਾਏ ਈ। ਹੁਣ ਕਿਊ 1 ਕੂਲੰਬ, ਈ ਚਾਰਜ ਔਨ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਕੂਲਮ ਨਾਲ ਕੂਲਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 1/1.6 ਇੰਟੂ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 19, ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 10/16 ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਇੰਟੂ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 19। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 10/16 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ 10 ਰੇਜ ਟੂ ਪਾਵਰ ਜਿੱਥੇ 19 ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਜਾਏਗਾ 18। ਓਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਾਏਗਾ 6/2.5 ਇੰਟੂ 10 ਰੇਜ ਟੂ ਪਾਵਰ 18। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਗਏ, 6.25 ਇਨ 10 ਰੇਜ ਟੂ ਪਾਵਰ 18 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਿਲ ਕੇ 1 ਕੂਲੰਬ ਚਾਰਜ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ MCQ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ।